हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर नरा के YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं DRDO MTS 2020 के लिए देखिए दोस्तों सीट नंबर 9 लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों, आज डिस्कशन करेंगे 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न पे डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखिए दोस्तों, मैं इसका आपको PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और देखिए दोस्तों आंसर भी दे दूंगा। और देखिए दोस्तों, आप देखिए GK इससे मिला लीजिए और देखिए शेष प्रश्न का मैं आपको अपडेट आंसर भी दे दूंगा। और चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद देखिए फिर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी श्याम बेनेगल। अगला क्वेश्चन कहता है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका आंसर होगा बी, यानी क्या है? श्री माबो भंडार नायक। ये किस देश का? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, भारत में जन्मे एस्ट्रोफिजिक्स के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा एक, यानी प्रोफेसर चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, देखिए आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? इसका आंसर सी, यानी भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? यानी पोलो का उद्गम किस राज्य में हुआ दोस्तों? इसका आंसर होगा सी, यानी मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक कहता है राजकीय संरक्षण किस राजवंश ने किया? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर होगा सी, यानी धर्मपाल और देखिए देवपाल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल द्वारा खैरा आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था? यानी खैरा आंदोलन जो हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर क्या हुआ डी, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरोध में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों ये आपका हिस्ट्री क्वेश्चन है। कहता है, निम्नलिखित बादशाहों का सही कालक्रम क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका 43 नंबर देखिए, तो देखिए दोस्तों, देखिए कालक्रम क्या है? इसका आंसर क्या है सी। अब देखिए दोस्तों, इसके अनुसार कौन कौन होगा? तो देखिए सबसे पहले क्या होगा अहमद शाह, और देखिए उसके बाद क्या होगा आलमगीर द्वितीय, और देखिए उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद होगा शाह आलम द्वितीय, और देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा आपको चार, यानी अकबर द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कहता है, संविधान संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 352 किस चीज से संबंधित है दोस्तों? उसमें क्या होता है? तो होता है इसमें राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। और देखिए इसमें होता है 356 आपको राष्ट्रपति शासन, और 360 इसमें होता आपको वित्तीय आपात होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 45 नंबर आपको क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजसूची का नहीं है, राजसूची संबंधित नहीं? इसका आंसर होगा सी, यानी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन का देखते हैं, इसका ट्रिक भी देखते हैं। देखिए सोनम क्या होता है? सोन नर्मदा और महानदी, तो देखिए कहाँ से निकलती है दोस्तों, इसके लिए कैसे याद कीजिएगा? तो देखिए सोनम क्या याद कीजिएगा? सोनम याद कीजिएगा दोस्तों। देखिए सोन हो गया, नौ नर्मदा हो गया, मौस महानदी हो गया, ये तीनों नदी निकलता है आपको अमरकंटक की पहाड़ी से। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है दोस्तों? इसका आंसर होगा 89, यानी सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मलक्का जल संयोजी
मलका जल जल संधि जो होता है, देखिए आने जाने की सुविधा है। देखिए दोस्तों ये कहाँ से अनजान होता है, इसका आंसर होगा हिंद महासागर से चीन तक, हिंद महासागर से चीन तक अनजान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका क्वेश्चन कहता है भारत, देखिए क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंध के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। इसका आंसर होगा डी यानी वित्त आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए भारत में कहता है भारत में जनगणना जनगणना वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। देखिए दोस्तों इसका उल्टा होता है महाविभाजक, महाविभाजक मतलब होता होना चाहिए बड़ा, लेकिन यहाँ क्या होगा इसका आंसर होगा 1921 1921। और देखिए दोस्तों ये महाविभाजक कहा तो 1921 लेकिन कहता लघु विभाजक 1951 हो जाता, आपका आंसर हो जाता एक, लेकिन देखिए यहाँ यहाँ क्या कहता है महाविभाजक, महाविभाजक इसका उल्टा होगा यानी 21 और कहे लघु विभाजक 1951 हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है N2 बंधन के निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है दो समांतर तारों में, कहता है दो समांतर तारों में एक दिशा में विद्युत प्रवाहित हो रही है, कहता है इन माध्यम में कहता है इन मध्य कहता है इन मध्य में निम्नलिखित प्रभाव होगा, क्या प्रभाव होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी यानी आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तब क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर होगा एक, इसका आंसर क्या होगा एक, ऊर्जा क्या होता है ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देख कहता है जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया, देखिए दोस्तों जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, इसका आंसर होगा इसका आंसर एक यानी बीसमैन। अगला क्वेश्चन देख कहता है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, तो देखिए कहता है रुधिर कणिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसका आंसर, देखिए दोस्तों इसका आंसर यानी इनमें क्या होता है लौह होता है, और देखिए दोस्तों यह देखिए क्या कहता है यह जो होता है यानी रुधिर कणिका, तो देखिए यह क्या होता है लाल रंग प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, और देखिए दोस्तों यह क्या होता है रक्त क्या होता है रक्त में ऑक्सीजन का भाग होता है, और देखिए दोस्तों ये जो होता है आपका 3 नंबर, तो देखिए ये होता है WBC, ये क्या होता है WBC होता है, देखिए दोस्तों ये होता है WBC होता है। अब चलिए तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर बता दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते, कहता है अशुद्ध, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, अब देखिए किधर से आता है, इसका आंसर होगा दाएं अलिंद से। इसका 56 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है धूप के चश्मे के रंगीन कांच में क्या होता है, इसका आंसर एक यानी क्या होगा फेरस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए दोस्तों आप जानते होंगे फाइकोलॉजी में क्या होता है, देखिए दोस्तों तो देखिए दोस्तों फाइकोलॉजी में आपको होता है माइको में होता है कवक, देखिए माइको में कवक होता है, फाइको में क्या होता है शैवाल, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ क्या लिखा गया है, तो यहाँ देखिए जीवाश्म लिखा है, यही आपका गलत है, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन क्या कहता है ट्रिप्सिन पेप्सिन और क्या होता है डाइपेप्टाइड्स नामक एक एंजाइम का मूलतः किसके पाचन में सहायक होता है, इसका आंसर होगा सी यानी प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन कहता है पादप, देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है पादप वृद्धि अनुमान के साथ निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिया गया है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर होगा सी यानी जगदीश चंद्र बसु। अगला क्वेश्चन देख ले दोस्तों चलिए इसको देख लेते हैं, देखिए आपका 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखा था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसका मैं आंसर टिकट करता हूँ, सबसे पहले देखिए 61 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। अब देखिए दोस्तों ए और बी दिया गया है, तो देखिए आपका आंसर यानी 1 और 2 होगा, बी के अंतर्गत 1 और 2 दिया गया, अब देखिए कहता है भारत मार्च 2020 के पहले सप्ताह में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान कांग्रेस कहता है आईजीएस की मेजबानी करने जा रही है, नई दिल्ली में आयोजित होने वाला इस कांग्रेस का थीम भूविज्ञान और समावेश विकास के लिए क्या है मूलभूत विज्ञान, और देखिए दोस्तों दूसरा क्या है कहता है अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान कांग्रेस आईजीसी को भूविज्ञान का ओलंपिक भी कहा जाता है, देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, देखिए दोस्तों ये आपको गलत दे दिया गया, तो देखिए इसका आंसर होगा 2। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए दोस्तों अब करंट अफेयर कहता है हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेटिक्स इंडेक्स 2020 में भारत कौन सा स्थान पर रहा, इसका आंसर होगा एक ही नहीं पांचवा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है
पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? कहाँ से? हरियाणा। हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में राज्यसभा में, अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में राज्यसभा के किस जनजाति भाषा को पहली बार प्रयोग किया गया था? इसका आंसर होगा संथाल। संथाल। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम ने 13वें दक्षिण एशियाई खेल में कहता है किस देश को पराजय कर स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, नेपाल। नेपाल। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए है। और देखिए दोस्तों, इसका मैं पीडीएफ आपको अपने डिस्क्रिप्शन में 100 क्वेश्चन का दे दूंगा, वहां से देखिए डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, जीके और जीएस और आप इससे मिला लीजिएगा। और देखिए शेष प्रश्न का मैं आंसर आपको उसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।